तो हम लोग पढ़ रहे थे साइन कोजाइन फॉर्मूला बच्चों। तो कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के हो गए थे, एग्जांपल आगे बोलो बच्चों। दो जहाज एक बंदरगाह को एक ही समय छोड़ते हैं, एक ही दो जहाज है बच्चों, एक ही बंदरगाह पे एक ही समय छोड़ते हैं, एक ही दिशा में। हाँ आगे पढ़ो। एक ही समय छोड़ते हैं, एक एन नॉर्थ में 45 डिग्री ईस्ट, मतलब ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये क्या होता है ये मालूम है बच्चों। हाँ क्या लिखा है? पहले नॉर्थ से मिले तो नॉर्थ एन 45 डिग्री दिशा। जैसे मान लो बंदर के यहाँ यहाँ शूट रहे बच्चों, तो ठीक है ये एन है, ये ई है, ये डब्ल्यू है, ऐसे कैसे लिखा दिखाओ बच्चों। एन लिखा है, 45 डिग्री बड़ा है, एन 45 डिग्री ई। एन का मतलब है नॉर्थ, ई का मतलब है ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट में कितना बच्चों जा रहा बच्चों? 45 डिग्री। समझ आया कि नहीं बच्चों? बोलो नॉर्थ चल रही ना बच्चों, 45 ठीक है। और नेक्स्ट 24 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल जाता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरा 32 किलोमीटर की चाल से साउथ और ईस्ट में बचा। तो देखो साउथ ये है, ईस्ट ये है, तो कहाँ जाएगा? साउथ 75 ई इधर लिखा है, साउथ के साथ 75 बना रहा है, ये कोड बनेगा। वही कह रहे साउथ से ये होता ना 75, ये बता दे मतलब पहले इसका क्या होता है। जैसे ये लिखा होता है जैसे साउथ 75 ई, तो साउथ से 75 बना रहा है, ईस्ट की तरफ बना रहा है बच्चों। अगर यही लिखा होता ई 75 एस, तो मतलब ईस्ट से बना रहा 75, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था ये साउथ से बना रहा है ईस्ट की तरफ, कितना बच्चों 75। तो 75 होगा तो ये कितना बच्चों बनेगा बच्चों? बोलो ये 90 होता है 15, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों पहले जांच की चाल कितनी है? पहले 24। फर्स्ट जहाज की चाल 24 किलोमीटर पर आवर। तो और सेकंड जहाज की चाल कितनी है बच्चों? 32 किलोमीटर प्रति चाल। समय कितना लास्ट में दे रखा पढ़ो जरा। 3 घंटे तक देखो, 3 घंटा ये भी चलेगा और 3 घंटा। तो बताओ जो दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। फर्स्ट जहाज के लिए, फर्स्ट चाल कितनी फर्स्ट की बच्चों? 24। समय कितना है? 24। तो यहाँ 72 किलोमीटर पहला जहाज चलेगा, मतलब ये जो दूरी है मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी, तो ये कितना चलेगा बच्चों बोलो? 72। सेकेंड जहाज की दूरी कितनी जाएगी? चाल कितना है बच्चों? 32 गुणे 3 घंटे भी चलेगा बच्चों, कितना जाएगा? 96 क्या बच्चों किलोमीटर, ठीक है। ये कितना आ गया? 96। ये पूरा कोड जो बनेगा बीएसी कोड कितना बन जाएगा बच्चों बोलो? और बच्चों ये 45 ये नहीं होगा, 45 ही होगा, क्योंकि क्या बोल रहा था यहाँ पे, तो 45 ये भी होगा बच्चों बोलो? हाँ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बनाया, नॉर्थ से ईस्ट, यही मतलब ही होता है बच्चों ज्यादा सा, कि जो पहले लिखा होता है उसको लेके, जैसे बोला गया जैसे समझो ई 45 एन, मतलब ई से जाओ 45 डिग्री एन की तरफ, तो ईस्ट जाना है 45 डिग्री किस तरफ? एन की तरफ, ठीक है बच्चों। बी ए सी कितना जाएगा बच्चों बोलो? 45 उधर हुआ, तो ये 45, तो ये भी कितना जाएगा? 45 और प्लस कितना हो गया? 60। देखो बच्चों हमको ये कोड मालूम है, अच्छा ये ए है तो ये ए भुजा होगी पहले तो, है ना, ये बी है तो ये कितनी होगी बच्चों? बी भुजा होगी, ये सी है तो ये कौन सी भुजा होगी? सी। तो हमें निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है ए, तो हम लोग क्या कोई भी लगा लो फॉर्मूला, चाहे साइन, क्योंकि हम लोग को दो भुजाएं मालूम है, एक कोण मालूम है और एक भुजा निकालनी है, ठीक है। तो कॉस ए लगा लेते हैं बच्चों, तो कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला बोलो क्या होता है जल्दी से? B square plus C square minus A square upon 2BC। A कितना बन रहा कोण? 60। B कितना है बताओ से? बड़ा यार लंबा स्क्वायर है, 96 का स्क्वायर प्लस 72 अपॉन में 2 × 96 × 72 कॉस 60 का मान 1/2। ओहो 96 का स्क्वायर 72 का स्क्वायर
दो गुणे छियानवे गुणे दो से इसे कटेगा बच्चों, इधर भेजो छियानवे गुणे बराबर, देख लो हम तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करने देंगे, चिंता ना करो। इधर ले आओ ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा छियानवे स्क्वायर प्लस बहत्तर का स्क्वायर माइनस छियानवे इंटू बहत्तर, ये आया बच्चों। तो अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है छियानवे, तो क्या बचेगा माइनस बहत्तर, छियानवे माइनस छह में दो गया, हाँ बच्चों इसमें से और इसमें से कॉमन लिया मैंने, छियानवे कॉमन लिया है तो छियानवे बचेगा यहाँ पे, बहत्तर छह में दो गया चार, नौ में सात गया प्लस बहत्तर का स्क्वायर, तो छियानवे गुणे चौबीस और प्लस बहत्तर का गुणा मतलब बहत्तर गुणा बहत्तर, चौबीस कॉमन ले लें यहाँ से, चौबीस और छियानवे बहत्तर किसी कटेगा, बारह अट्ठे छियानवे पाँच बहत्तर बारह का अमाउंट ले रहे बच्चों, ठीक है। तो चौबीस यहाँ जाएगा तो चौबीस चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बारह अट्ठे आठ बचेगा, चौबीस तिया बहत्तर एक बार हो जाएगा और बारह अट्ठे छियानवे हो जाएगा, सही है बच्चों बोलो, ए बारह छंग बात सॉरी बच्चों, बारह चको अड़तालीस हाथे लगे दो बाद चौबीस छब्बीस तीन छका अठारह आठ गुणा छब्बीस कहाँ पे यहाँ पे छत्तीस अठारह अठारह आठ छब्बीस गुणा को जल्दी से चेक करो आंसर क्या देखो जरा कृष्णा पर एक बार डूब जाओ तो आंसर देख लें। तो किलोमीटर में तो यही पहले से आ रहा हूँ छियासी पॉइंट आ रहा है। अच्छा अच्छा एक बात तो ध्यान दी नहीं हम लोगों ने, यहाँ पे क्या चल रहा बच्चों ए स्क्वायर, तो ए हटेगा तो क्या लगेगा बच्चों यहाँ पे अंडर रूट लगाना तो भूल ही गए हम लोग, अब इसमें कुछ चीज़ें बच्चों बाहर आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है गुणनखंड कर लेना बाहर आ जाएंगे बच्चों, ठीक है आंसर आ जाएगा बच्चों। इसमें एक तो पेड़ है तो सीधा होगा लेकिन पहाड़ी कुछ ऐसी बनाई इन्होंने, एक पहाड़ी का ऐसी है बच्चों इस प्रकार से कुछ है, कितने आंसर कोड बनाए बच्चों बोलो, ये पहाड़ी है बच्चों, ये क्या है बच्चों यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ी है यहाँ पे पंद्रह आंसर कोड बना रही है, पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है इस पे, ऊर्ध्वाधर खड़ा है बच्चों इस पे, ऊर्ध्वाधर खड़ा है बच्चों कौन पेड़ हाँ पहाड़ी पर, पहाड़ी है पेड़ नहीं लगे होते पहाड़ी पर, तो एक पहाड़ी है वो छत्तीस से कितना कोण बना रही है बच्चों पंद्रह डिग्री पर लगा है, उस पहाड़ी पर पेड़ लगा है बच्चों, ठीक है हाँ। और पेड़ के आधार से, पेड़ के आधार से पैंतीस मीटर, पैंतीस मीटर पहाड़ी के एक नीचे के बिंदु से पेड़ इसी से उन्नयन कोण साठ, मतलब समझो यहाँ पे लिखा है एक पेड़ है ठीक है, फिर कॉमा लगा है एक पहाड़ी, पहले एक पेड़ बोल दिया कॉमा लगा दिया, एक पहाड़ी जो छैतीस से छैतीस मतलब ऐसे से पंद्रह अंश के कोण पर बनाती है, पंद्रह अंश कोण बनाती है एक मानो पहाड़ी है पंद्रह अंश के कोण पे, ज़्यादा नहीं होता छोटा ही से कोण होता पंद्रह अंश पर बनाती है, लिखा है पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो पर मतलब कहीं भी खुला खड़ा कर दो इसको चाहे यहाँ खड़ा कर दो, ये है बच्चों पैंतीस मीटर पैंतीस मीटर, ये मतलब क्या है बच्चों पेड़ है, ये पेड़ पैंतीस मीटर नहीं है ये पेड़ है यहाँ से मतलब यहाँ तो बच्चों कितना ये बोलो पेड़ है बच्चों। अब इसके बाद लिखा है पेड़ के आधार से, पेड़ के आधार से पैंतीस मीटर पहाड़ी के नीचे, पैंतीस मीटर पहाड़ी के नीचे एक बिंदु से क्या आ गया पैंतीस मीटर आधार के नीचे, आधार कहाँ पेड़ बताओ यहाँ यहाँ पे पेड़ है आधार, इससे जाओ नीचे कितने जाओ नीचे पैंतीस मीटर नीचे, नीचे ऐसे जाएंगे बच्चों बोलो सीधे इसे नहीं नीचे जाना बच्चों
नीचे नहीं जाना है, नीचे लोग अंदर नहीं जाओगे यहाँ पे, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है। 35 मीटर नीचे जाओ, नीचे ऐसे जाओगे बच्चों। पर उन्नयन कोण कितना है बच्चों? 60। किसका बच्चों 60 है? पेड़ का, सीड्स का उन्नयन कोण बच्चों। इसमें आया बोलो बच्चों, नहीं आया बोलो। अच्छा ये जो 60 होगा, ये पूरा 60 होगा कि जो उन्नयन कोण बनता है हमेशा जमीन से बनता है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे, वो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, आंतरिक कोण, ठीक है। आंतरिक करता है तो ये बोलता है, तो सिर्फ ये कोण होता है आंतरिक, बताया मैंने बच्चों। चलो फिर समझ लेते हैं एक बार फिर से। ये क्या है मान लो, एक पहाड़ी मतलब ये छाती से, मतलब मान लो धरती है, ये धरती से पहाड़ जा रहा है बच्चों। अब इधर हम लोग पहाड़ी कैसे बनाते थे, पहाड़ी ऐसे बनाते थे, वही मैंने बनाते थे बच्चों। लेकिन पहाड़ी कह रहा है कि 15 अंश कोण पर झुकी हुई है, 15 अंश है नहीं पहाड़ी है बच्चों, पर एक लगा है पेड़, पर एक क्या लगा है बच्चों, पेड़ लगा। अब पेड़ के आधार से, पेड़ के 35 मीटर नीचे, 35 मीटर नीचे एक बिंदु से बिंदु पर कितना कोण बनना बच्चों, तो ये कितना मीटर चल रहा है हम लोग यहाँ बोलो बच्चों, 35 मीटर चल रहे हैं। तो कोण जो बनना है कितना बनना बच्चों बोलो, 60। नहीं इसमें आया क्या पूछा हम लोगों से, बताओ बच्चों पेड़ की ऊंचाई, नहीं इसमें आया क्या क्वेश्चन? तो बच्चों थोड़ा समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर बार मुझे बना दो उसे बना दो। ये मान लिया पेड़ की ऊंचाई कितनी बच्चों यहाँ पे, एच। अच्छा ये पूरा समकोण त्रिभुज होगा बच्चों, ये नीचे से, ठीक है। ये 15 डिग्री दे रखा है हम लोग, दे रखा बच्चों 15 डिग्री, और ये कितना बच्चों, 35। ये 35 बच्चों, 60 नहीं, ये पूरा 60 है बच्चों। तो ये कितना बचेगा बच्चों बोलो, 45। 60 में कट जाएगा बच्चों 45 बच्चों। हमें ये निकालना, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम लोग सोचो बच्चों, निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम ये 15 है 35 है, अगर कहीं से ये निकाल लें, निकल जाएगा बच्चों, निकलने कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको 35 मालूम है, तो ये कड़ मालूम है बच्चों, तो निकालना क्या है, लंब। तो साइन 15 लगा दे बच्चों, बराबर लंब सी डी और बटे 35। साइन 15 मान कितना होता है बच्चों, साइन 15 का रूट 45 माइनस 30। देखो बच्चों ये लंब है और ये कितना अकड़ है, सी डी और बटे 35, साइन ए माइनस मान बच्चों याद रखो इसे, तो उसका 1/√2 √3/2 माइनस 1/√3 - 1/ इक्वल टू में सी डी बटे, √3 - इधर भेज दो, तो 35 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 बटे कितना जगह, ये क्या आ गया बच्चों बोलो, सी डी। सी डी मतलब सिर्फ इतना आया। अब हम पूरा त्रिभुज लेंगे ए डी ई, क्या इसमें कुछ मालूम है बच्चों, कहाँ सी डी मालूम है ना, हमें निकालना क्या है बच्चों, एच। हमें एच निकालना, तो पहले ये निकालना पड़ेगा, डी ई निकालना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जब डी ई आएगा तभी तो हो पाएगा बच्चों काम। तो इसी के हेल्प से समझ लो, इसी हेल्प में आधार निकालो, ये निकाल पाओ आधार, ए 15 35 के हेल्प से बच्चों। जैसे साइन लगाया बच्चों, अब क्या लगा लो एक बार, कॉस, यहाँ लगा बच्चों कॉस 15 इक्वल टू आधार, आधार कितना बच्चों बोलो, ए डी बटे बटे बच्चों, इसका मान निकालेंगे। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, कॉस 60 माइनस 45 लिखेंगे, कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30 इधर लिखेंगे, तो इसका ही मान शायद यही आएगा, जहाँ तक नहीं मान ये नहीं आएगा, सॉरी उल्टा आएगा मान, यहाँ प्लस में आएगा √3 + 1 अपॉन में, क्योंकि माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। नहीं इसमें आएगा, नहीं इसमें आएगा बच्चों, ए डी बटे 35। तो ए डी का मान कितना आ गया बच्चों बोलो, 35 ब्रैकेट के अंदर √2 + 1 अपॉन में, चलो ठीक है। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, ये पूरा कोण कितना बन रहा है बोलो, 60 बन रहा है। तो त्रिभुज ए डी ई में, चले यार कहाँ घूम फिरे कर रहे हम, त्रिभुज ए डी ई में तो बोलो 10 लगा लें,
टेन साठ बराबर पूरा ये कितना बचो बटे आधार क्या है टेन साठ का मान एडी बटे एडी लिखो अभी तिरछा गुणा करो एडी अंडर रूट एडी मान क्या है जरा बोलो और रूट थ्री ऐसे रहेगा रूट थ्री का गुणा कर दो रूट छ प्लस रूट टू कहाँ जाएगा हाँ रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू अरे यार रूट थ्री प्लस वन अपॉन में सही ना रूट थ्री आ गया सॉरी तो रूट थ्री कितना जाएगा बच्चों बोलो थ्री अपॉन में टू ये क्या आ गया बच्चों बोलो पूरा ईडी आ गया हमें निकालना क्या पेड़ की ऊंचाई तो एच इक्वल टू क्या करेंगे ईडी से माइनस कर देंगे कितना ईडी कितना है बच्चों बोलो माइनस सीडी सीडी बोलो कितना सीडी कहाँ है ये पैंतीस रूट तीन माइनस वन बटे एलसीएम बोलो पैंतीस कॉमन लो बच्चों आप तीन प्लस माइनस तीन एक चार पंचे बीस चार तीन बारह दो सत्तर बटे रूट दो मतलब रूट दो अपन से गुणा तो दो जाएगा दो से काट दो बच्चों कितना जाएगा देखो आंसर कितना था एक और तरीके से ये कितना है बच्चों बोलो बोलो जो पैतालीस ये कितना है बच्चों बोलो ये कितना है तो ये कितना बचेगा तीस तो त्रिभुज ए सी ई में ध्यान देना ये कितना है बच्चों पैतालीस है ये कितना है तीस है ये एच है और ये पैतीस है तो इसके सामने कोड ये बनना बच्चों इसके सामने बच्चों ये बनना बच्चों तो जैसे फॉर्मूला नहीं होता साइन ए बटे ए जैसे हमने ये लिया साइन क्या नाम है इसका सी ए ई तो बटे में एच लेंगे बच्चों बोलो देखो फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से साइन ए बटे क्या होता है ए होता है तो ए मतलब कोण होता है और स्मॉल ए क्या होता है सम्मुख भुजा होती है क्या होती है तो ये अगर कोण लिया है तो भुजा ये लेंगे बच्चों और अगर ये कोण ले रहा है साइन ई तो भुजा कौन सी लेंगे बच्चों बोलो पैंतीस सही है समझो फिर से नहीं समझा नहीं आया देखो चलो इधर समझो अच्छा ये बताओ जैसे ये नियम हमने ये त्रिभुज ए बी सी है ये नियम क्या होता है साइन ए बटे साइन वाला क्या होता है साइन ए बटे मतलब अगर ए लेंगे तो सामने लग भुजा कोण लेंगे और बी लेंगे तो बी लेंगे बराबर साइन बी बटे बी और साइन सी बटे सी तो साइन ए बटे ए ए क्या होता है सम्मुख भुजा तो मान लो ये ए है और बटे सम्मुख भुजा क्या हो गया एच अब बी मान लो ये सम्मुख भुजा कौन सी हो गई पैंतीस बस दो ही लेंगे बच्चों साइन सी ए कितना है बच्चों पैंतालीस बटे एच साइन ई कितना है बच्चों बोलो बटे इसका मान एक बटे रूट दो एच दो एच रूट दो लेते साइन तीस का मान तो त्रिशा गुणा कर दो बराबर सत्तर एच बराबर सत्तर बटे रूट दो बटे रूट दो ठीक है ये थोड़ा सिंपल वो हमने उच्चारित दूरी लगा दी बच्चों कल तुम लोग का होमवर्क है एक से लेके छः तक के लाओ बच्चों हाँ एक से प्रश्न वाली कर लोगे यार